जो आप बेमुद्दत आमरण उपोषण के लिए यहाँ बैठे हुए, तो क्या कारण है आपको बैठने का? सर जी, आज का ये जो कारण है, कुछ कम से कम अलाना कंपनी जो है, बुर्क बॉन्ड जिसको पुरानी कंपनी बोलते थे, वो कंपनी में हमारे जो बंदे हैं कम से कम 100-200 बंदे हैं, उन्होंने काम करे, उनको काम से निकाल दिए, मगर आज तक उनको कोई भी मुनाफा जो होता है वो अभी तक वापस उनका पेमेंट हो या फिर उनका जो पीएफ हो उनको मिला नहीं है। तो किमान 10 लोगों ने हमारे जो संगठन राष्ट्रीय जनरक्षा महासंघ के तरफ हेल्प मांगे कि भाई हमारा जो पीएफ है मिल नहीं रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है सम्मान्य बाला साहब जी आगलावे साहब, इनके नेतृत्व में हमने कामगार उपायुक्त जो है वहाँ पे निवेदन दिया था कि भाई ये जो लेबर है काम करने वाले, उनका जो पेमेंट है कम से कम किसने 8 साल, किसने 10 साल, किसने 6 साल काम किया, मगर उनको 2-2, 4-4 महीने का पीएफ देके उन्होंने रास्ते लगा दिया। अगर वहाँ बोलने गए तो उन्होंने बोलेगा हम जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। पर इनके कंपनी के खिलाफ हमने सम्माननीय अध्यक्ष आगलावे साहब, प्रदेशाध्यक्ष पठान सर, उपाध्यक्ष अप्पा साहब जी वंजारे, कचरे सर, लाठे सर, आशिक सर, सब लोगों ने मिलके कामगार उपायुक्त वहाँ पे एक निवेदन दिए, मगर कम से कम अभी 6-7 महीना हो रहा है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई उन्होंने की नहीं। फिर उनके खिलाफ हमने जो डिविजनल कमिश्नर उपायुक्त है, विभागीय आयुक्त है, उनके पास हमने जो कामगार उपायुक्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उनने 6-7 महीने से कोई भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए, इसके वास्ते हम आज यहाँ पे उपोषण के लिए बैठे। आप जो बैठे हैं आमरण उपोषण के लिए, आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? जब तक हमारे मांगे पूरी होती नहीं तो हम आमरण अनशन यहाँ पे लगाए हुए, जब तक हमारी पूरी मांग होती नहीं तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। आपका पूरा नाम बोलिए। हमारा नाम है अप्पा साहब जगन्नाथ जी वंजारे और सम्माननीय जो अध्यक्ष है बाला साहब जी आगलावे साहब। साहेब आगलावे साहेब आहेत जनरक्षा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज ये अलाना कंपनीमधील कामगार यांना कामावरून बिना सांगता बिगर नोटिसचा काढलेला आहे, त्यांचे पी एफ वगैरे काय दिलेली नाही, हे बेकायदेशीररित्या आहे। आज इथले 700-800 कामगारांच्या मागं, एकेका कामगारामागं 10-10, 15-15 लोक आहे पोट भरणारे, हे सगळे लोक उपाशी मेलेले आहे। हे अलाना कंपनीने काढल्यामुळे यांचे घरातले घर उद्ध्वस्त झालेले आहे, ते रोडवर आलेले, आम्हाला करू राहिलं कोणी काय करू राहिलं आणि या कारणाने आमचे बाळासाहेब आगलावे आयुक्तालयाच्या उपायुक्ताच्या विरोधात इथं बसलेलं आहे का? यांना 5 महिने झाले, यांना नोटीस अर्ज देऊनसुद्धा यांच्यावर काही प्रकारची कारवाई झालेली नाही, त्यामुळे आज बाळासाहेब आगलावे इथं आमरण उपोषण। जोपर्यंत बाळासाहेब आगलावे यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत शेवटच्या क्षणापर्यंत आमरण उपोषण करणार आहे। मी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आहे भटकी उमुक्त संघटनेचा, मी आज बाळासाहेब आगलावे यांना माझा संघटनेचा भरपूर पाठिंबा, या दर्जेने सत्ता नाही झाले यानंतर आम्ही आंदोलन करणार आहे। बाळासाहेब असलम भाई शेख, भारतीय भटकी उमुक्त आदिवासी संघटना, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष। ओके।